हेलो गाइस, तो आज हम जो ड्रिप इरिगेशन है उससे फर्टिलाइज़र दे रहे हैं। और आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे एनपीके 1919 वाला जो है ये फर्टिलाइज़र है हमारा। तो ये सॉल्यूबल फर्टिलाइज़र है। अभी हम वाटर के साथ में इसको घोल रहे हैं। ये हमारा पानी का टैंक है, अभी इसमें घोलेंगे। उसके बाद बेंचुरी के द्वारा हम पानी से इसमें ड्रिप इरिगेशन देंगे। तो अभी इसको घोल रहे हैं इसमें। तो ये पूरा पैकेट हम इस टैंक के अंदर डालेंगे। और ये यहाँ पे ये एनपीके 1919 इसको हम मिक्स कर रहे हैं टैंक में। उसके बाद इसमें पानी भरेंगे और अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर देंगे। ये अच्छे से घुलना चाहिए और ये धीरे से घुल जाता है आराम से। उसके बाद हम बेंचुरी को ऑन करेंगे और वो सक्शन करेगी और ड्रिप के थ्रू पानी से ये जाएगा। तो अभी हम इस पानी से इसको फिल करेंगे। तो अभी हमारे जो बेंचुरी है वो स्टार्ट हो गई है और हमारे यहाँ बेंचुरी का जो है सक्शन स्टार्ट हो गया है। तो इसमें जो हमने फर्टिलाइज़र का सल्यूशन बनाया था, जो घोल बनाया था, तो अभी हमारे टैंक के अंदर जो सल्यूशन है वो रेडी है। और जो ये हमारी बेंचुरी है इसके अंदर जो है यहाँ से प्रेशर जा रहा है और ये फर्टिलाइज़र इसके थ्रू होके यहाँ पर जो बाल लगे हैं इनमें मिक्स हो रहा है। यहाँ से हमारे जो बाल हैं इसके थ्रू ये आगे जा रहा है। तो जिस भी फील्ड में हमको पानी देना होता है वो इस बाल के थ्रू फर्टिलाइज़र मिक्स होके ऊपर से और यहाँ से निकल जाता है और आगे जो हमारे लगी हुई है फसल उसमें चला जाता है। तो ये बेंचुरी है, बेंचुरी के अलग अलग से बाल्ब हैं। टैंक में जो अपने फर्टिलाइज़र का घोल बनाया है वो यहाँ से मिक्स होके और यूं नीचे होके और बाल से अब बाहर आ रहा है। यहाँ पे हमारी जो ड्रिप नली लगी हुई है तो इसमें हमारे जो ये पानी के साथ में सिंचाई भी हो रही है और अपने खाद भी लग रहा है। तो यहाँ पे हमने लगाई है अभी, तो यहाँ पे हमने ये जो है फूल गोभी लगाई हुई है। तो यहाँ पे पानी भी आ गया है और यहाँ पे खाद भी हमारे साथ साथ लग रहा है पानी के। तो बहुत अच्छा जो है तरीका है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, अभी रिसर्च का ट्रायल है। तो इस रिसर्च के ट्रायल में हम जो है अलग अलग तरीके से ट्रायल कर रहे हैं कि किस तरह से हमारे उत्पादन पे फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पे हमने एक ये जो है मक्के के आटे से बनी हुई पॉलीथीन बनाई है। इधर हमारे जो है पेड़ पौधों की जो पत्तियाँ हैं उनको यूज़ किया है बेड पर। यहाँ पर हमारे प्योर प्लास्टिक की मल्च यूज़ की गई है और यहाँ पर हमने कुछ नहीं डाला है। उसके बाद हम इसमें लास्ट में हम उत्पादन देखेंगे कि किस इसमें कितना फ़र्क पड़ता है किस चीज़ का। और हमारे फर्टिलाइज़र सब में हम बराबर दे रहे हैं पानी के साथ में। तो ये हमारे ड्रिप इरिगेशन का सेटअप हमने ऑटोमेटेड इरिगेशन सिस्टम में लगाया है।